हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम आज एक नई रेसिपी बनाते हैं। पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे बटर, गार्लिक चॉप्ड है, हरी मिर्च, जीरा हाफ टी स्पून, ये हम स्नैक्स बनाएंगे पोटैटो के, और अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, एक से डेढ़ गिलास तक पानी डाल दिया है, और ये बॉयल होने देंगे। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे चौथाई चम्मच, और मैंने सूजी लिया है 150 से 200 ग्राम, 150 ग्राम तक है सूजी। पानी में हम इसको पकाएंगे जब तक ये डो फॉर्म में नहीं हो जाता। रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, आज को मीडियम कर रखा है, दो मैश आलू ले लिया है, दो मीडियम साइज के आलू को मैश कर लिया है अच्छी तरह, थोड़े से मैंने सूखे हुए पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, इससे हमारा टेस्ट इसमें बहुत अच्छा है, इसको मसल के हम डालेंगे, फ्रेशनेस आएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, पेट में ठंडक पहुंचाता है पुदीना, और पुदीना डाल के इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, देखिए हमारा कितना अच्छा डो फॉर्म बन गया है, तो हम इसे ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास पुदीने के सूखे पत्ते ना हो तो आप हरे पत्ते भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो गाइस, हमने डो को तोड़ तोड़ के अपने पैन में डाल दिया है, तरह से अब इसको ढक देंगे, 2 से 5 मिनट लो में पकाएंगे इसको, लो आंच करके, और हम इसे ग्रेसिंग ऊपर से भी कर देंगे। अब दूसरी साइड पलट देंगे, दूसरी साइड भी 2 मिनट तक पकाएंगे,
कंप्लीट हो गए हैं, दूसरी साइड भी हमारे हो गए हैं कंची। देखिए इस तरह से कितना बढ़िया सुंदर बाल क्रंची बना है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे आलू और सूजी के बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर बॉल्स हमारे बने हैं, क्रंची और बिल्कुल सॉफ्ट। गैस ने बंद कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं स्नैक्स, या शाम के टाइम जो है चाय के साथ बना सकते हैं। ये स्नैक्स बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। पुदीने की चटनी है, चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।